नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। स्कूल से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे कर्नाटक में फैलता जा रहा है। छात्रों के हिजाब पहनने का विवाद अभी थमा नहीं था कि इस बीच हिजाब कंट्रोवर्सी में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। दरअसल हिजाब पहनकर पढ़ाने से इनकार करने के बाद इंग्लिश टीचर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, लेक्चरर ने कहा कि बिना हिजाब के पढ़ाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। हिजाब उतार कर पढ़ाना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। हिजाब विवाद इतना बढ़ गया कि सरकार ने बंगलोर में 28 फरवरी तक धारा 144 लागू कर रखी है। किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल हिजाब विवाद का मामला बंगलोर हाईकोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक स्कूलों कॉलेजों में बुरका व हिजाब सहित सभी तरह की धार्मिक पोशाक पर रोक लगा रखी है। महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज जहां से सारा विवाद शुरू हुआ था वे पिछले 10 दिनों से बंद था, अब इसको परीक्षा के लिए खोला गया। फिलहाल वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। उड़ीपी के एडिशनल एसपी एसटी ने ये जानकारी दी। उड़ीपी के एक स्कूल से ये सारा हिजाब विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद देश के अलग अलग इलाकों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव की वजह से मुद्दा और गर्मा गया है। फिलहाल उड़ीपी में हालात सामान्य हैं, वहां अब सभी स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।